नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी। दोस्तों बात करें अद्वार्षिक परीक्षा 2023-24, 2.5 घंटे का पेपर है, हिंदी का पेपर है, 8वीं क्लास का पेपर है। पूर्णांक 50 रहने वाले, आने वाले जो भी आपके एग्जाम रहेंगे सभी जिलों के अंदर ये पेपर काम आने वाला है, तो पढ़ लीजिए पेपर को अच्छी तरह से। सबसे पहले बात करते हैं भाई फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। लेखक बदलू को कहा करता था, क्या करता था भाई? गए ऑप्शनों का बदलू काका। नेक्स्ट है दूसरा, बस की यात्रा नामक पाठ के लेखक हैं। दूसरे क्वेश्चन में आएगा खे ऑप्शन हरिशंकर परसाही। नेक्स्ट आता है तीसरा, कुछ अनसे और पिच फिर कुछ रोए पंक्ति में हंसना रोना शब्द किसके प्रतीक है? तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे होगा खे ऑप्शन सुख दुख के। और उसके बाद में आता है फोर, भगवान की डाकिया कहा गया है। तो फोर क्वेश्चन में पे गए ऑप्शन पक्षी और बादल को। नेक्स्ट आता है फलना फूलना का अर्थ है। पांचवा क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पे गए ऑप्शन यहाँ पे आएगा उन्नति करना। और उसके बाद में बात करते हैं पे सिक्स, यह है सबसे कठिन समय है कविता में संदेश है। तो सिक्स क्वेश्चन आंसर होगा भाई खे ऑप्शन लक्ष्य की ओर बढ़ने का। एक गाली अनेक कब हो जाती है? तो सातवां क्वेश्चन में आए पे खे ऑप्शन आएगा उल्टा देने पर। नेक्स्ट आता है श्री कृष्ण ने सुदामा की कैसी दशा देखी? आठवां क्वेश्चन में आएगा भाई खे ऑप्शन दयनीय। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है और आंसर यहाँ पे भरना है ए ऑप्शन है। एएस के अंदर बस को देखा तो उमड़ पड़ी क्या सरदा, यहाँ पे आएगा सरदा। आजकल ईमानदारी से काम करने वाले को समझा जाता है, क्या समझा जाता है? मूर्ख समझा जाता है। नेक्स्ट है धोती पट्टी सी दुपटी, तो इसका आंसर होगा पे लटी। नेक्स्ट है साइकिल चलाना एक सामाजिक है क्या, एक आंदोलन है। उसके बाद में बात करते हैं दसवां क्वेश्चन में क्या करना है, गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए जो प्रश्न है उनके उत्तर देने हैं। तो पहले आप गद्यांश को आसानी से पढ़ लीजिए और उसके जो भी क्वेश्चन है इनके आंसर आपको बताने वाला हूँ। तो पहला यहाँ पे पूछा है गांव के सभी बच्चे बदलू को क्या कहकर पुकारते थे? गाँव के सभी बच्चे बदलू को बदलू काका कहकर पुकारते थे। ये ऊपर भी पूछा जा चुका क्वेश्चन। बदलू का मकान कहाँ बना हुआ था? ये बना था बदलू का मकान कुछ ऊंचे, जो यहाँ पे जो बना हुआ था यानी कि मकान के सामने बड़ा सा एक सैन था और इसके एक पुराना नीम का वृक्ष था, ठीक है। और उसके बाद में है बदलू के किसके नीचे बैठकर अपना काम करता था? नीम के वृक्ष के नीचे। नेक्स्ट आता है बदलू लाख की चूड़िया कैसे बनाता था? तो भट्टी दहलती रहती जिसमें एक लाख की चूड़िया पिघलाता था और सामने एक लकड़ी की जो चौखट की पड़ी रहती थी और जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख सलाख के समान पताल कर यानी कुछ उसको पिघला कर चूड़े आकार देता था। और उसके बाद में यहाँ पे पूछा है 11 नंबर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बदलों का पैतृक धंधा क्या था, उसका धंधा क्यों बंद हो गया? इनके जो भी आंसर है ये देने आपको, कविता ने दुनिया की भीख मंगा क्यों खा गया, आजकल जीवन के महान मूल्य के प्रति लोगों की आस्था क्यों के हिलने लगी, कबीर की सखियों का संदेश क्या था, हाथ हथेली पर रखकर चलना मुहावरे का अर्थ लिखकर अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए, उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर बताना है, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उठने की तैयारी में क्यों रहती थी, वह तिनको क्या करती थी, और मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था। उसके बाद में एक प्रार्थना पत्र लिखना होगा आपको, अथवा के अंदर भी दे रखा है, दोनों में से एक करना होगा, और एक निबंध लिखना होगा लास्ट में 13 नंबर में, दो शब्दों में, विद्यार्थी अनुशासन होगा, बाल विवाह का उत्सव, दीपावली, यदि मैं शिक्षक होता। तो ये पेपर भी आपका कंप्लीट हो चुका है। इस क्लास के भी आपको सारे सारे पेपर देखने के लिए मिलने वाले एग्जाम से पहले पहले, और एग्जाम जैसे स्टार्ट होंगे तो किसी भी जिले का सबसे पहले अपडेट किया जाएगा, अपलोड किया जाएगा। धन्यवाद।